प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। भूगोल सार में हम लोग देखते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या है। भारत में जो अनुसंधान केंद्र हैं, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। यह शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तो भारती है। दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ये भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध क्या है? केंद्र है। पहला इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थिति है? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। उद्यान एवं कृषि वानिकी विश्वविद्यालय सोलन, क्या? सोलन में। सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर? शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंद्री में। सस्य वानिकी का शोध केंद्र कहाँ पर है? झांसी में है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय साग भाजी यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर है? आनंद में है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, क्या? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। मिश्र धात निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्थान कामटी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय गन्ना शोध संस्थान, क्या? गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। अभी हमने देखा क्या सुगर, तो सुगर कानपुर में है, क्या? सुगर अनुसंधान, यहाँ पर गन्ना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। शास्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र कहाँ पर? कोलकाता में है। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली में है, मैसूर में है, भोपाल है, मुनेश्वर है। अब ये जो संस्थान है, इसको आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और आपको ये बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है जब ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो आप इसको खुद पॉज करिए वीडियो को और इसको अपने कॉपी में लिखिए और इसको मिलान कर लीजिए। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर है? फरीदाबाद। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी तरह निदेशालय है DRR कहाँ पर? हैदराबाद। DWR करनाल। DMR नई दिल्ली। DPR कानपुर। अब ये इन सभी का आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है उसको आपको क्या करना है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखना है, फिर इसको मिलान करना है, फिर आप आगे बढ़िए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर? करनाल में। चलिए परिवहन देखते हैं। भारत के देश के कुल यातायात में सड़क का योगदान लगभग 80% है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई तकरीबन, यहाँ पर 100,000 लिखा हुआ है, इस समय
हजार लगभग हो गया है, 1,21,000 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। राष्ट्रीय मार्ग नंबर 4 निम्नलिखित से होकर गुजरता है, तो महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। वह राष्ट्रीय राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है कहां पर? उत्तर प्रदेश। इसको फैक्ट आपको चेक करना है, उत्तर प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्ग का सकल लंबाई सबसे अधिक है, यानी प्रांतीय राजमार्ग है, ठीक है, महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास के लिए। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास के लिए। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं कहाँ पर? झांसी में मिलते हैं एक दूसरे को। उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है, तो आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, नागपुर हो गया, कृष्णागिरी हो गया। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया जा रहा है, यानी जोड़ा जा रहा है मुंबई और पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है तो भोपाल है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना किसके लिए है? उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति नहीं जुड़े हुए हैं। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई को अवरोही क्रम में लिखना है। पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। चलिए सही कथन देखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन की आवश्यकता का 40% आपूर्ति करता है, क्या 40%? और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अमृतसर से होकर कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन गुजरता है? तो भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो NH3, क्या NH3? आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन, यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 5,846 है। उत्तर दक्षिण गलियारा इसको जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा, क्या जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रा। रेल मार्ग देते हैं। भारत में सबसे पहले रेल तैयार हुआ था कब? 1853 में। किसके बीच चला? मुंबई और पुणे के बीच 1853 में। आपको ये पता लगाना है मुंबई और पुणे के बीच 1853 में चला, लेकिन डेट क्या था, डेट आपको पता लगाना है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है कितना? 5.5 फुट। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन है? तो इलाहाबाद से होकर, क्या इलाहाबाद से होकर। भारत के रेल मंत्रालय की, क्या भारत के रेल मंत्रालय, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन योजना है कहां से कहां तक? यह है मुंबई और अहमदाबाद के मध्य। चलिए जोन देखते हैं। उत्तर पूर्व जोन गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कहां? कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। सही कथन देखते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का को प्रयोग करने वाली गाड़ी है, तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा, क्या भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे जोन, क्या हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है, इसका कारण क्या है? रेलवे परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर इसकी संबद्ध पूंजी बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि रेलवे से ही परिवहन की सारी जो आवश्यकता पूर्ति करना वास्तविकता से परे है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों का, बसों और दोपहिया वाहन का होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर? कपूरथला। व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में। डीजल इंजन क्या, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहां पर, मडुआ डी। वह राज जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है क्या, वह राज जहां पर यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब में होता है और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर है, ये बड़ौदा में है। सवाल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किसमें होता है, रेलवे स्लीपर बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। रेलवे कोच क्या, तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहां पर, रायबरेली में। वह रेल खंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई, रेवाड़ी रोहतक में। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, गुजरात। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभ किसे, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बेलगांव, मडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोंकण रेलमार्ग से नहीं जोड़ता है कौन, बेलगांव। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाले रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, सिलगुड़ी और दार्जिलिंग। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है इस समय, सिक्किम है। आप फैक्ट चेक करिएगा, सिक्किम के अलावा और कोई राज्य है या नहीं। रेल सुरंग की लंबाई के अनुसार सही अंतरम आपको बताना है, पीर पंजाल, अवरोही क्रम में वो भी कारबुद, नाथुवाड़ी और बरदेव वादी। चलिए वायु परिवहन देखते हैं। मालाबार, कोकण, कोरामंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है क्या, कोच्चि बंदरगाह संबंधित है किससे, मालाबार से। नौ परिवहन, सही कथन देखते हैं। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने तथा निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन यानी सिल्टेशन रोकता है क्या, रोकता है या कह सकते हैं इसको अवसाधन कह सकते हैं, सिल्टेशन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है, कोच्चि में है। भारत का मुख्य ज्वारीय पत्तन कौन है, कोलकाता और कांडला। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन है, विशाखापट्टनम है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया वो कौन है, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है किस राज्य में, उड़ीसा। मुर्मुगांव पत्तन कहां पर है, गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार या निर्यात नौभार वहन किया जाता है किसके द्वारा, कांडला पत्तन के द्वारा। भारत में कृत्रिम पत्तन है कौन, चेन्नई और तुतीकोरन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंत प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा, काकीनीडा क्या, काकीनीडा है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है वो है क्या, कांडला। वह स्थान जहां पर तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, कन्याकुमारी। सेतु समुद्रम परियोजना में परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, 167 है। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह कौन है, मंदार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। आगे चलते हैं। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में है। नहावा शेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा, तुतीकोरन तमिलनाडु, ये सब बंदरगाह हैं। अलेप्पी केरल, यन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होगा, आंध्र प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। गंगा नदी का वह भाग जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद हल्दिया। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है, केरल तटीय नहर मार्ग। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौ परिवहन संस्थान कहाँ पर है, पटना में है। भारत में कोयले को संचालित करने वाला बढ़ावा प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट, यन्नौर। जामनगर, ओखा, पोरबंदर व बेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर बंदरगाह कस्बा नहीं है। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह पूछा गया एग्जाम में, चेन्नई। भारत में बाह पत्तन विशिष्ट उदाहरण है किसका, हल्दिया का। आगे देखते हैं। गॉर्डन रीच कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में।
हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में, कोचिन शिपयार्ड केरल में। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन क्या है? कोचिन विमानपत्तन। राजा शांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? अमृतसर। दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड कहाँ पर है? अलंग, गुजरात में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वो क्या है? नहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी बोलते हैं इसको। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचलन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़ने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना पता लगाया गया है क्या? राजस्थान में। मोर्मगांव कहाँ पर है? गोवा में है। पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक और मुंद्रा गुजरात में। चलिए कुछ पर्यटन स्थल देखते हैं। चक्राता पर्यटन स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। हाफलांग असम में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में और ऊपरी हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में है। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर है। कसौली हिमाचल प्रदेश। उडवाड़ा गुजरात में है। पॉइंट कलीमर तमिलनाडु। किलांग हिमाचल प्रदेश। औली उत्तराखंड। चिकमंगलोर कर्नाटक। ऊटी तमिलनाडु। भारत की गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। भारत के दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, इन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है बिलिंगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है वो क्या है? अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है कहाँ पर? केरल में स्थित है। भारत के ध्वस्त नगरों में है कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर। चलिए आगे देखते हैं। श्रीशैलम कहाँ पर है? नल्लामलाई में। ओंकारेश्वर मंधाता पहाड़, पुष्कर अरावली में। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों देता है, बायोगैस संयंत्र। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता रूप में दूसरे स्थान पर है, भारत है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान की तरफ से। श्रीहरिकोटा क्या? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। पोखरण राजस्थान में है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या अलीबाग? क्या अलीबाग विशेषता क्या है इसकी? अवकाश सदन होलीडे रिसोर्ट। बालपुर सायल रासायनिक संकुल है। नहवा सेवा पोर्ट है। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? थुम्बा का चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। द हिमालयन माउंटेनिंग क्या? द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। केयर्न क्या? केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। चलिए रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। द्वारका गुजरात। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रेवर्न स्टेडियम मुंबई में। ग्रीन पार्क कानपुर। ईडन गार्डन कोलकाता। चलिए आगे। भूमगत रेलवे कलकत्ता। आम रत्नागिरी। ताले प्रसिद्ध हैं अलीगढ़ के। चावल देहरादून। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ? कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण करना। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कौन? मुरादाबाद। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कौन है? पश्चिम बंगाल। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है? अप्सरा है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव हुआ 1850 में। भारत में टेलीग्राम सेवा सर्वप्रथम शुरू की हुई थी कहाँ से? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।